गया जेल में गए। अभी तक कोई याद नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बस हम यही चाहते कि मेरे पति जेल से निकल जाए। मेरे महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के दरौंदा थाना क्षेत्र निवासी कपड़ा व्यवसायी दो भाई अपने बेकसूरी को साबित करने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गौरतलब हो कि दरौंदा थाना क्षेत्र इलाके के हाथोपुर गांव के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले बेंगलुरु से व्यापार छोड़ महाराजगंज शहर में कपड़ा के दुकान से अपना खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। इसी बीच हाथोपुर गांव में एक घटना घटी जिसमें एक आंगनबाड़ी सेविका सीमता देवी के पति की हत्या हो गई। इस मामले में कपड़ा व्यवसायी दो भाई धर्मेंद्र सिंह और रविंदर कुमार पर हत्या के मामले में केस दर्ज करा दी गई। अब दोनों व्यवसायी अपने निर्दोष होने की बात कहकर न्याय के लिए अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराज इनके सुप्रसिद्ध जरती माता के मंदिर पर यह लोग अनशन पर बैठ गए हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सारण के तीस तरह DIG मनु महाराज नहीं आएंगे तब तक हम लोग अनशन समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग कई दिनों से अधिकारी लोग के पास जा रहे हैं लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए खास तौर माता रानी के दरबार में आए हैं ताकि हम लोग को न्याय माता रानी की कृपा से मिल सके। हमारे पति का अभी तक जांच नहीं हुआ, 15 महीना हो गया जेल में गए। अभी तक कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बस हम यही चाहते कि मेरे पति जेल से निकल जाए, मेरे पति को जांच शुरू हो जाए, बस यही मिलती है। किस मामला में उनको फंसाया गया है? केस के खून केस के मामले में बुला कर जाए ना सही, मेरे पति को फंसा दिया। आप लोगों का घर कहाँ हुआ? हाथोपुर। जबकि हमारे पति मैंने उनका संगे संगे जेल में उनका संगे संगे दुरांदा स्वास्थ्य केंद्र गए बारे ओझा भी केहू कुछ ना कह जब मर गए तो हमारा पति को रोपित लगे तो बुला के। आपका नाम क्या हुआ? रंजू देवी।